हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इस दुनिया के सबसे महान भूखड़ इंसान के बारे में, जिसके जीवन का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है और वो होता है ठूसना। आपके स्कूल या कॉलेज के ग्रुप में भी ऐसा एक चूतिया फ्रेंड जरूर होगा, जिसे हमेशा ही खाने की पड़ी होती है, लेकिन उसकी बॉडी इसके जैसी होगी क्योंकि वो अपनी सारी एनर्जी सुबह सुबह बाथरूम में बहा देता है। जब ग्रुप के सारे लौंडे लड़कियां ताड़ने में व्यस्त होते हैं, तब इस प्राणी को कैंटीन की याद आ रही होती है। अगर ग्रुप में किसी लड़के का ब्रेकअप हो जाए और वो चूतियों की तरह रो रहा होगा, तब भी ऐसे लोग बोलेंगे कि चल भाई कैंटीन चलते हैं, समोसा खाते हैं, सब ठीक हो जाएगा। मतलब इन्हें खाने के सिवा और कुछ सूझता ही नहीं है। तो आज हम जिन लोगों के बारे में बात करने वाले हैं, वो है इस दुनिया के सबसे बड़े भूखड़, जिनके पेट में जितना डाला जाए उतना उन्हें कम ही लगता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पैट्रिक बेल्टोलेटी के बारे में। इस इंसान का पेट असल में पेट नहीं, एक पिटारा है जिसमें आप चाहो उतना खाना डाल सकते हो। तो आइए नजर डालते हैं इस भूखड़ आदमी के कारनामों पर। एक पिज्जा कंपनी जो कि 40 सेंटीमीटर के डायमीटर का पिज्जा बनाती थी, उस कंपनी के मुताबिक 4 से 5 लोग का पेट इस पिज्जा से आराम से भर जाता है, लेकिन ये भूखड़ इंसान अकेले ही वो पिज्जा चट कर जाता है और वो भी सिर्फ 10 मिनट में। और सुनो, एक कंपटीशन में इस बंदे ने ये बर्गर जो कि 1.83 केजी का है और जिस बर्गर से एक फैमिली आराम से अपना डिनर कर ले, ऐसे बर्गर को ये बंदा अकेले ही खा जाता है और वो भी सिर्फ 11 मिनट में। एक कंपटीशन में ये बंदा एक साथ 37 गरम कुत्ते हॉट डॉग चट कर गया। और तो और ये बंदा 1 घंटे में 9.5 लीटर दूध ऐसे पी जाता है जिसे सुबह सुबह चाय की टपरी पे एक कटिंग चाय पी रहा हो। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई नॉर्मल इंसान है, तो ऐसी मिस्टेक गलती से भी मत करना। ये वही बंदा है जिसने जादू के ग्रह का सारा राशन पानी अकेले ही खत्म कर दिया, तभी तो वो लोग धूप से काम चला रहे थे। इतना सारा खाना खाने वाला ये अकेला बंदा नहीं है, इसके जैसे कई और लोग भी मौजूद है जिन्हें कॉम्पिटिटिव ईटर कहा जाता है। जैसे कि ये चाइनीज बंदा जिसका नाम है ताकेरु कोबायाशी, जिसने इतने सारे बर्गर सिर्फ 3 मिनट में खत्म कर दिए। इंटरनेट पर आपको ऐसे कई सारे कॉम्पिटिटिव ईटर मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं दूसरी टाइप के लोगों के बारे में जिन्हें इतना सारा खाना चाहिए। ये लोग वो होते हैं जो अपना पूरा दिन जिम में गुजार देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमारे द ग्रेट खली और हल्क होगन, इन लोगों को भी बहुत सारा खाना चाहिए होता है। और अब आखिर में बात करते हैं तीसरे टाइप के भूखड़ के बारे में, जो कि एक बीमारी से जूझ रहे होते हैं और इस बीमारी को कहा जाता है बुलिमिया नर्वोसा। इस बीमारी में उनका दिमाग ही उनका चूतिया काटता है और उन्हें बार बार ऐसे फेक सिग्नल भेजता है जिससे उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी है और वो खाने चले जाते हैं। लेकिन बहुत सारा खाना खाने के बाद भी उनकी भूख शांत नहीं होती, क्योंकि उनका दिमाग उसे अभी भी ऐसे फेक सिग्नल भेज रहा होता है, जिसकी वजह से ये लोग ज़्यादातर इस भ्रम में रहते हैं कि उन्हें अभी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।